আসো আসো আজকে ধরে থাকতে থাক। কোনা দিয়ে গেল কেন আসতে? আয় 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 আয়, এদিক চেপে আয়, এদিক চেপে আয়, এদিক চেপে। মাপি না, রাস্তা কোন দিকে? কই হ্যাঁ ও ভাইয়া, ভাইয়া কই হ্যাঁ কে? সো ইয়ে হ্যায় হোটেল রনিকা ইন উইথ রেস্টুরেন্ট। और हम लोग तो ऊपर, ये नीचे वाला रोड है, ये जा रहा है सीधा बस स्टैंड। ये भैया बहुत मजेदार है, ये दोनों आप दोनों ही है ना? सो दोनों के साथ हम लोग रात भर मस्ती किया और बहुत मजा आया। आप लोग जो आना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे यही पे स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, आप लोग आ जाना। यहाँ पे आप लोगों को खाना भी मिल जाएगा, ऊपर रेस्टोरेंट भी है, ऊपर रेस्टोरेंट है रूफटॉप के नाम, रूफटॉप के नाम से आपको फूड भी मिल जाएगा, आइए मजा लीजिए यहाँ पे। और भैया लोग बहुत मस्ती खो रहे हैं हम लोग जैसा जरूर आना यहाँ पे। पेट्रोल डालने के लिए चले आए किलोंग, टाइम हुआ है भाई ये देखो 12। किलोंग से अभी हम लोग को जाना है कहाँ पे पता है आपको? नहीं पता ना, थोड़ा गेस करो, थोड़ा डिफरेंट रूट, सबको पता है, अभी सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। या सिंखुला पास, अभी हम लोग दारचा, पहले दारचा पहुँचेंगे, दारचा से सिंखुला पास, सिंखुला पास से हम लोग जाएंगे आज गोनबो रोंगजोंग। तो यही आज हमारा टारगेट है, फिर देखते क्या होता है, फिर आगे देखा जाएगा। उधर ऊपर टैंक तो फुल हो गया है भाई, करीब 1190 रुपये का पेट्रोल डाला है मैंने, विथ 2 लीटर मैं पेट्रोल कैरी कर रहा हूँ। मेरा मीटर का तो पेनियम नहीं मिला, और ये इसको अगर ख़राब भी होना था नीचे होता तो शायद मैं इसको रिपेयर कर सकता था। फिलहाल अभी तो नहीं होगा क्योंकि इधर पे कुछ नहीं है और शायद कहीं पे मिलेगा भी नहीं। अभी तो यहाँ गाड़ी का लाइन लग गया भाई, क्यों? ट्रक वाले आ गए, फंस गए भाई, फंस गए। किसको आने को कह रहे हो? पीछे आने को कह रहे भाई, ये तो गया। चलो हो गई, लग गई जाम। ये गाड़ी किसकी है? इस गाड़ी की वजह से तो सारा प्रॉब्लम है। वो है जिस्पा, और हम लोग पहुंच गए अभी जिस्पा पे। ये पूरा जिस्पा ही है, ये दारचा ब्रिज, स्टॉप फॉर चेकिंग। ओके, यहाँ पे है चेक पोस्ट, तो चेक पोस्ट में जाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं बाड़ा लाचाला, उससे पहले आएगा सूरज ताल। यहाँ से है 40 किलोमीटर, अगर 40 किलोमीटर चले जाए आगे और 40 किलोमीटर चले जाएंगे तो सारचू है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी 80 किलोमीटर ड्राइव करना है। तो ये जो आप रोड देख रहे हो, यहीं से देखो दो रास्ते अलग हो रहे हैं। ये जो राइट वाला है ये जा रहा है ले, और सीधा जा रहा है सिंखुला पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड, ये देखो, यहाँ से सिंखुला पास है 39 किलोमीटर, पाडू में 143, और जंसकर सुंडो है 17 किलोमीटर। क्या जंकर सुंडो क्या है? सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाड़ा लाचाला। फिलहाल यहाँ पे एक आर्मी कैंप था, मैंने इसलिए फोटो कैमरा ऑफ कर दिया था। और मैं बताना वाला हूँ कि यहाँ से अभी जिंगजैंग बार है 7 किलोमीटर, और जिंगजैंग बार से शायद और 10 किलोमीटर हो, 5-10 किलोमीटर होगा सूरज ताल लेक। बाइक नहीं जाने के बाद कर रहे भाई, क्या करे, थोड़ा इसका पेट्रोल चाप दे। ये जो हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन के कमी की वजह से नहीं, ये प्रॉपर फायर नहीं कर पा रहे। ये अगर प्रॉपर फायर कर पाता तो आराम से और चलता। इस बार बहुत सारा टूरिस्ट है इधर। ये आ गए हम लोग सूरज ताल, अरे बाप रे बाप। सो इन्होंने घुमा लिया टूरिस्ट की वजह से। ये जब हम आए थे ना तब इतना धूप नहीं था, तो अभी काफ़ी धूप है। देखो भाई जम लग गया। हम लोग अभी आगे हैं सूरज ताल लेक, ये है सूरज ताल का लेक, ये है सूरज ताल लेक।
अभी हम लोगों को ऊपर जाना है, ऊपर है बारा लाचला पास, उधर जाने के बाद फिर वापस आएंगे, फिर नीचे फोटो लेंगे और फिर वापस चले जाएंगे सिंगुला पास। सो ये है इंडियन आर्मी का पावर। अभी इतना बड़ा जैम था, सब खुल गया है, देखो पूरा रोड क्लियर हो गया। अभी उनको आने दे रहे, अभी यहाँ से जाएगा सारा गाड़ी। जैम जो है वो छूट गया है और अभी हम लोग सूरज ताल, ये जो लेक है, अभी इससे छोड़ के जा रहे हैं बारा लाचाला। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ये बारा लाचाला पास अभी फिलहाल हमें सूरज स्थल भी हो गए, बारालाचा भी हो गए और आगे जाएंगे कहाँ, आगे जाएंगे अभी सिंखुला पास। उससे पहले एक शायद बापिता को जल्दी भेज देंगे क्योंकि उन्होंने ना वो ग्लव्स नीचे मतलब छोड़ के आया है जहाँ जिस होटल में हम लोग रुके थे। सो वहाँ पे वो उनको जल्दी भेज देंगे, बोलेंगे कि आप जल्दी आओ, हम लोग सिंखुला पास के पास जो गेट है वहाँ पे रुके हैं। हम लोग दारचा से फिर जा रहे हैं कहाँ, गोनबो रोंगजोंग सिंखुला पास। पता नहीं सिंखुला पास तक पहुँचते पहुँचते कोई बोल रहा है कि 2 घंटा लग जाएगा, पता नहीं कि फ़ोटो ले सकते हैं कि नहीं। सो अभी जाना है हम लोगों को सिंखुला पास। सो ये पीछे जो दाएं तरफ जो रोड चला गया राइट साइड में वो चला गया है ले, और ये देखो सिंखुला पास है 39 किलोमीटर, पाडुम है 143 किलोमीटर। सो ओके, सो अभी चलते इस रोड पे, अभी होने वाला है जो इस रोड पे असली मज़ा, क्योंकि अभी इतना जितना रोड हम लोग अभी चला के आए, ये किलार और जो बाताल से जो छत्रु का जो रोड था और जो सचपास का रोड था किलर से, और सचपा किलर से जो उदयपुर का जो रोड था, इसमें जो हम लोगों को परेशानी आई ना, अभी वैसा ही परेशानी फिर से हम लोगों की ज़िंदगी में आने वाले है, क्योंकि अभी हम लोग फिर से ऑफ रोड में जा रहे हैं। तो अभी तो सबको अच्छा लग रहा है कि एकदम टारमैक रोड है, सब एकदम मस्त गाड़ी चला रहा है, देखो सब स्पीड में गाड़ी चला रहा है मस्ती में। अभी इनको नहीं पता कि अगले 10-15 किलोमीटर के बाद क्या होने वाला है, सब लोग सोच रहे कैजुअली ले रहे हैं, कुछ नहीं, अभी देखो क्या होता है। क्योंकि इधर से ना मेरे को जो लगता है कि इस रोड से हमें अभी नहीं निकलना चाहिए था, हमें सुबह निकलना चाहिए था, पर क्या करें, सब लोग कह रहे हैं कि चलो निकल चलते चलते हैं, जितना दूर हो सके चलते हैं, पीछे रह के क्या होगा। बोला ठीक है तब चलो, लेकिन मुझे मेरा जो मन था ना, मेरा मन था कि कल सुबह यहाँ से निकले और गोनबो रोंगजोंग में दोपहर से हम लोग टेंट करें, ये मेरा अपना डिसीजन था, फिर भी सबके लिए ये करना पड़ा। ऑफ रूट मिल गया, अभी एक पूल भी है इधर से झंडे का पानी, अभी शायद थके और पक्का रोड नहीं मिलेगा, अभी पूरा कच्चा रोड ही मिलेगा मुझे जैसा लग रहा है। पता नहीं सिंगुलर पास है या नहीं, काफ़ी टफ था यार, काफ़ी मुश्किलें आई। ये आ गया सिंगुलर पास, काफ़ी मुश्किलों के बाद देखो भाई ये आ गया सिंगुलर पास। अभी पता नहीं नीचे जा पाएंगे कि नहीं, 16,580 फीट, फाइनली सिंगुलर पास पहुंच गए हम लोगों को पहुंचने पहुंचने रात हो गई और ये हम लोग पहुंचे सिंगुलर पास। फिलहाल पहुंच गए सिंगुला पास 16,580 फीट, काफ़ी मुश्किलें आए रोड पे, काफ़ी जगह पे पानी, काफ़ी जगह पे गाड़ी नहीं उठ रहा था, रास्ता अच्छा है लेकिन फिर भी। सो सिंगुला पास पहुंच गए, वो है बपिता और अभी निकल जाएंगे। सो क्योंकि यह रात हो गया ना, अंधेरा हो गया तो निकल जाते हैं। बपिता रास्ता दिखे, रास्ता कौन दिखे, हे बापिता रास्ता कौन दिखे। ओके वहाँ से निकल रहे हैं, अभी जाना है गोनबो रोंगजोंग की तरफ, पता नहीं गोनबो रोंगजोंग पहुँच पाएंगे कि नहीं, रोड कैसा है पता नहीं। चलो चलो नीचे, चलो नीचे चलो, रास्तार कंडीशन खूब भालो ना, देखे जो कि अवस्था है खाने, रोड का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो निकल चलते जितना हो सके निकल चलते। एक ही डर है कि रोड पे ज़्यादा पानी ना आए, और उसके अलावा कोई डर नहीं, पानी ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी रोड हो चला लेंगे रात भर, पानी का ही सिर्फ प्रॉब्लम है। सो आगे एक ढाबा हम लोगों ने देखा था, अरे बाबा, सो उस जगह पे अगर घर मिल जाए ना, उस घर पे अगर रुकने के मिल जाए ना, तो हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पे ना
सांस फूल रहा है, सच में सांस फूल रहा है। मैं इतने बार इतने जगह गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर यहाँ पे हो रहा है। झूठ नहीं बोलना चाहते। देखो रोड का कंडीशन, अभी कौन सा रोड किधर गया क्या पता, शायद यही रोड होगा। उस रोड पे ईटा लगा हुआ है, मतलब वो रोड नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही डर है यार, रोड में कुछ प्रॉब्लम ना हो। रात है ना, दिन में निकल जाते ना, परेशानी नहीं होती। जल्दी से हम लोगों को वो ढाबा पे पहुंचा दो, जो ढाबा पे खाने का गनबोर गंगजंग जाने से पहले, जो खाने का जो ढाबा है जहाँ पे वहाँ पे रह सकता है टेंट करके, बहुत सारे लोगों ने दिखाया, उसी जगह पे पहुंचना है मुझे। और एक साथ चलना है तीनों को, हम थोड़ा धीरे हो जाते ताकि किसी की भी मुश्किल में हम तीनों साथ साथ, जो भी मुश्किलें आए साथ साथ निभा, उसको एक साथ मिल के डट के उसका मुकाबला करें। काफ़ी ये आने का रोड तो काफ़ी अच्छा था, जाने का रोड काफ़ी खतरनाक है। देखो भाई ये रोड है, ये तो सच पास से भी खतरनाक वाला जोन हो गया। ये देखो आगे क्या है, क्या पता हम लोगों के लिए और क्या क्या सामने रुका हुआ है। चलते हैं, वो भी आ जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। हड़बड़ी की तो दुर्घटना घटी, धीरे धीरे चलते हैं। जल्दी से हमें कोई ढाबा वाबा मिल जाए यार, जहाँ पे रुक के हम लोग राज कर रात का, गनबो रंगजंग में तो रुकना मुश्किल है। इसीलिए सारे जो बाइकर्स थे और जो फोर व्हीलर थे ना, जल्दी जल्दी निकल गए। शायद वो लोग इधर आए नहीं, उधर से ही निकल गए, उधर तक सिंकुला पास आए, फिर सिंकुला पास से उधर से निकल गए। फिर उन लोगों को पता है रोड इतना काफ़ी ख़राब है। अभी रात के टाइम में ना गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। फिर आज इन लोगों के बातों में आ गए, हमको वहीं पर रुक जाना चाहिए था। ठंड भी उतना है, कष्ट भी उतना हो रहा है, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, ठंड में जम जा रहा है। और ऐसे खतरनाक रोड पे, रोड से अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। विजिबिलिटी भी लाइट की वजह से थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा फेदर। विजिबिलिटी है लेकिन ज़्यादा नहीं। देखो पानी बहता जा रहा है, पानी का ही तो सिर्फ डर है इस ठंड में। देखो भाई जिन्होंने ये रूट किया है ना, उन्होंने ही बताया था कि पानी की वजह से इधर बहुत प्रॉब्लम है, और इधर से पानी पूरा जा रहा है नीचे तक इसी रोड से, मतलब पूरा पानी के ऊपर से हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये काफ़ी तकलीफ होने वाला है भाई। रात हो गई है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे चलते हैं, अपने आप पहुँच जाएंगे। 8-10 किलोमीटर तो कितना होगा, एक घंटे लगेगा, एक घंटे में पहुँच जाएंगे, क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे। ये थोड़ा टफ था, ये हम लोगों को इवनिंग को ट्राई नहीं करना चाहिए था, हमको मिनिमम ये यहाँ पे आने के लिए ना हमको करीब 3-4 बजे के बीच इस रोड पे आना चाहिए था। ये तो सच पास से भी ज़्यादा काफ़ी खतरनाक है। अरे भाई बहुत खतरनाक है भाई, वहीं पे रुक जा, बापिता को आने दे, बापिता को आने दे। अरे तो क्या दाड़ाते बोलती तू, दाड़ा बापिता के रास्ता दे। बापिता के रास्ता दे, एक संगे नाम्बू, আস্তে 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 আস্তে, তাড়াহুড়ো নাই, আস্তে আস্তে। বাপিদা বাপিদা
তুই একটু বাপিদাকে ফলো রাখ না, তুই আমাকে ফলো রাখছিস যেমন আমি তোকে ফলো রাখছি, তুই বাপিদাকে ফলো রাখ না। তুই বাপিদার সঙ্গে এত ডিস্টেন্স মেনটেন করছিস কেন? ঠান্ডা তো লাগ রে। রুট কি ধরে রুট দুসরে রুট পে না চলে যাই, ওই সোচ রে এই শায়দ রুটে। ये देखो पानी का पास आ गया, अब क्या करें? मुश्किल है, अब तो पैर भिगाना ही पड़ेगा। ट्राई करता हूँ फिर जाने की। फिर से चलते हैं। करेक्ट, ऐसे करके आओ, आओ, आ जाओ, आय 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 आय, टन 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 टन, ठीक है, भाभी ताके लाइट दे, भाभी ताके लाइट दे, फर्स्ट गियर दे, फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर दे। ओ कोना दिए गेलो केन रास्ते? आय 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 आय, एदिक चेपे आय, एदिक चेपे आय, एदिक चेपे आय, एदिक चेपे आय। ओ तो धारे गेछिस केन बापी दा? আরে লাইট দে না একটু এদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে, আরে গাড়িটা ঘুরিয়ে লাইট দে ওদিকে। আরে গাড়িটা লাইট ওদিকে দে না ভাই, কেউ সবাই ওদিকে লাইট দিয়েছে, সামনে কিছু আছে, ঘোরা এদিকে লাইট। এদিকে লাইট দে, না না এদিকে অপশন নেই, অপশন নেই। ওদিকে যাওয়ার করছি, চেষ্টা করছি। এদিকে কোনো অপশন নেই। Thank you.
आसो आसो आपके घोड़े তোমার ধামপুরটা কোথায় তা ধামপুরটা ছুড়ে দিলে তো তোমার হয়ে যেত চলো চলো এই রাত্রিবেলা জল পানোটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কষ্টকর চলো টাইম হয় 8:41 9 বাজনে কা আয়ে আবি তক হাম লোগো কো ধাবা নেই মিলা শৃঙ্খলা পাস হো গয়া হ্যায় আবি হাম লোগো কো ধাবা পে পাস জানা হ্যায় আর ढावा के बाद वहीं पे रुकना है कोई है ओ भैया भैया कोई है क्या सामने चलो देखिए यहाँ पे ढाबा है रुक सकते हैं आज रुक सकते हाँ यहाँ से गोनपुर रंगजन कितना दूर है 20-15 किलोमीटर मिनट हाँ 20-15 मिनट लगेगा 20-15 मिनट रास्ते में पानी मिलेगा पानी है तो बहुत तो यही वो लास्ट ढाबा है जहाँ पे यही है हाँ ठीक है चलते कहाँ से एंट्री